नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। आज हम मौजूद हैं जिस जगह पर, वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पे सारे किसान सड़क पर उतर आए हैं। बिजली की बढ़ती दरों को लेकर उनकी कई मांगे हैं, वो निराश हैं क्योंकि गन्ने का दाम नहीं बढ़ रहा लेकिन बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उनकी बातें सुनेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, सरकार से कितने ज़्यादा निराश हैं वो, इसी के साथ क्या उनकी यहाँ पर मांगे हैं, सब कुछ जानेंगे। आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मुद्दा है जो बिजली के रेट बढ़े हुए हैं उसकी पावर बढ़ा रहे हैं। हमारा डिमांड ये है कि जो 6 स्टेट में किसानों को फ्री बिजली है, 2 उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, इनमें भी किसानों को फ्री बिजली दी जाए, ये हमारी डिमांड है। इसके अलावा क्या कुछ कहना है आपका सरकार? इसके अलावा ये है कि सरकार जिस हिसाब से झूठे मुकदमे किसानों पे लगा रही है कि कनेक्शन काट दिया और कनेक्शन जोड़ दिया, जो आम जनता को पूर्ण रूप से तंग कर रखा है, तो उसका भी जो मुकदमे हो रहे हैं वे वापसी होने चाहिए। बिजली के रेट नहीं बढ़ने चाहिए, जो पावर बढ़ रही है वो नहीं बढ़नी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। गन्ने का भुगतान हमारा है, भुगतान हमारा नहीं हुआ, तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं। सरकार बात करने को तैयार नहीं है, तो सरकार जब तक बात नहीं करेगी इन सारे इशू को लेकर हम यहाँ पे बैठे हैं। जैसे अभी बहुत पॉलिसी आ रही दूध की, आ रही कि न्यूजीलैंड और जापान से, इन कई जगह से, जर्मनी से, उनसे दूध आएगा, तो हमारा करीब 15 करोड़ किसान जो परिवार होंगे वो पूर्ण रूप से तबाह हो जाएंगे, वहाँ से वेजिटेबल्स आ रहा है, तो हमारे बहुत इशू हैं। तो सरकार हमसे बात नहीं करेगी तो जब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। लिखित में भी कोई आपने शिकायत दर्ज दे दिया है? लिखित में दिया है और सब लोगों को, आपको भी हम देंगे, लिखित में हमने समझ दिया है। प्रशासन से कोई शिकायत आपको कि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है अभी? नहीं, प्रशासन से तो हमारी कोई शिकायत नहीं है। इन्हें जो है तो ये बिजली दर क्यों बढ़ा रहे हैं सरकार? तो ये बात हो रहा है, किसी किसान पर 10 बीघे जमीन है, उसे 10 हॉर्स पावर का कनेक्शन दे रहे हैं, जबकि उसका 3 हॉर्स पावर से काम चल जाएगा क्योंकि बिल वसूल कर रहे हैं उससे। जिस किसान पे जितनी कम जमीन है उतना छोटा नलकूप का कनेक्शन दिया जा। मेरी ये 184 रुपये हॉर्स पावर उत्तर प्रदेश में बिजली के बिल हो गए हैं, 7.5 से सीधा 10.5 पावर कर दिया। जो किसान 1380 रुपये प्रति माह बिल देता था, 1840 रुपये अब हो गए हैं 10 पावर के। किसान की स्थिति बड़ी ख़राब है। उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों पे जहां 10,000 करोड़ के आसपास बकाया है, गन्ने का भुगतान होता नहीं, गन्ने की सही कीमत मिलती नहीं, चीनी का यह पश्चिम उत्तर प्रदेश कटोरा कहा जाता है, किसान के यहाँ कमर टूट गई है। पर मसला यहाँ पर ये है कि ये मुद्दा पहली बार तो उठ नहीं रहा है, कितने सालों से चला आ रहा है, तो आप किसको इसका जिम्मेदार मानते हैं कि आपकी आवाज़ सुनी नहीं रहा? नहीं मैडम, ये सरकार के जो उपेक्षापूर्ण नीति है उसी का किसान खामियाजा भुगत रहा है। इस देश के अंदर हर आधे घंटे में किसान आत्महत्याएं करता है, हर वर्ष 12,500 किसान आत्महत्याएं करते हैं। अगर इसके एक तिहाई भी वकील मर जाए, इंजीनियर मर जाए, डॉक्टर मर जाए, प्रोफेसर मर जाए या नेता मर जाए, देश में तबाही तबाही हो सकती है। जिस देश में 12,500 किसान प्रति वर्ष आत्महत्याएं करते हो और इन सरकारों के कान पर जो नहीं रेंगती, किसान इस देश का बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, उसके मर्म को कोई जानने वाला नहीं है। यहाँ पे इस मुद्दे को लेकर महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे कि वो कितने परेशान हैं। किसान का पूरा परिवार यहाँ पर रो रहा है, दुखी है क्योंकि बिजली की दरें 7.5 से 10 से भी ऊपर पहुँच रही हैं। गन्ने के दाम नहीं बढ़ रहे लेकिन बिजली की दरें लगातार बढ़ रही हैं। आपका क्या कहना है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती निर्देश चौधरी। कहिए जी। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं एक छोटी सी किसान हूँ, बहुत छोटी सी, मेरे 2 बेटे हैं और मैं किसान की पीड़ा नज़दीक से जानती हूँ, क्योंकि हम गन्ना कैसे बोते हैं, कैसे उसे बच्चे की तरह पालते हैं, फिर कैसे उसे 1 साल पालने के बाद हम मील तक पहुँचाते हैं। 1 महीने का अगर हम बिल ना दें तो उस पर हमसे ब्याज लिया जाता है, सरकार हमसे ब्याज मांगती है और हमारे गन्ने का कोई ब्याज नहीं देती। हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, हमारे बच्चे अनपढ़ रह गए, हम अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे, हम अपना दूध तक बेच बेच के अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं ताकि हम अपने बच्चों को भी इन जैसा बना सकें, ताकि किसी ऑफिस में हमारे बच्चे बैठ सकें। लेकिन हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है, हमारे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, ताकि इसलिए हम महिलाएं भी रोड पर उतरे हैं। हम अपनी लड़ाई आर पार लड़ेंगे, कोई भी महिला यहां से नहीं हटेगी, कोई भी मेरा किसान भाई नहीं हटेगा तब तक हम इसका निर्णय ना ले लें इनसे। क्या चाहती है सरकार? ये हम बनाना जानते हैं, हम गिराना भी जानते हैं। 5 साल हैं,
अगर अभी जाग जाएगी तो इनके लिए हक में अच्छा होगा, वरना किसान झुकने वाला नहीं है, बर्बाद कर देगा, बर्बाद सरकार को। किसान अन्नदाता है, 21वीं सदी में भी आज किसान मेरठ में धरने पर बैठा है, मेरठ में, और 2022 में इन्हें इसका नज़ारा भुगतना पड़ेगा कि हाँ किसान कितना परेशान है, इन्होंने कितना किसान को बर्बाद कर दिया। बजट पास हुआ, किसान का कहीं से कहीं तक कोई नाम, कोई कुछ नहीं रखता, और किसान पैदा करके इनके घरों में बच्चे जो पलते हैं, ये खुद जो रोटियां खाते हैं वो किसान की कमाई खाते हैं, इन्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। मैं चीख चीख के कह रही हूँ, मेरी आवाज़ केंद्र तक, सब भारत तक पहुँचा दो। मैं यूँ कहती हूँ सबसे, यूँ वक्त कम है, इसे यूँ लगा दो, कुछ किसानों को मैं जगाती हूँ, कुछ को तुम जगा दो, मेरी लड़ाई आर पार है, यहाँ से हटेंगे नहीं तब तक अपना निर्णय नहीं मिलेगा, ठीक है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। क्या कहना चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहती हूँ, हमारी जो निर्देश दीदी ने जो अभी बात बोली है किसान भाइयों के लिए, मैं यही चाहती हूँ कि इनका जो भी इन्होंने लिखा है कि किसान लोगों के लिए कि मतलब हमें बिजली जो महंगी कर रखी है इतनी, तो हम चाहते हैं उसको कम से कम किया जाए। मोदी कहते हैं कि बिजली मतलब उन्होंने बढ़ा रखी, कुछ नहीं बढ़ाई। हमारे यहाँ एक किसान महिला ऐसी है जिसके मतलब 10 साल से उसके घर में लाइट नहीं जली है, कम से कम उसके पास इतना बिल है, वो घर मत समझ लीजिए 10 साल से अंधेरे में रह रही है, तो क्या फायदा है इसी सरकार से। हम यही चाहते हैं कि बिजली का भुगतान बिल्कुल, जब तक ये निर्णय नहीं होगा हम इस धरना को नहीं बंद करेंगे। ऊपरी वाला बल्ब जला रहा है, उस पर तो 5-5 लाख की वो भेज रहे हैं, और एक फैक्ट्री वाला रोज मतलब 20-20 हज़ार की बिजली फूक रहा है। हाँ अध्यक्ष जी, हाँ, तो मेरा मतलब ये है कि भाई हम लोग जो यहाँ आए हैं, जो 30% बढ़ोतरी होने के लिए जा रही है, उसे किसी की मतलब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जब तक सरकार इसे वापस नहीं लेती। हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। मैं एक सिम्बावली ब्लॉक से हूँ, एक छोटा किसान हूँ, मैं सोसाइटी का डेलीगेट भी हूँ। मैंने कई बार सचिव साहब को अपने को अवगत कराया, हमारी फैक्ट्री सिम्बावली का कोई भी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी उसने 16 दिसंबर तक का पेमेंट किया है, इतने परेशान हैं वहाँ के किसान, कोई सुनने को तैयार नहीं है वहाँ का अधिकारी। और मेरा पहले लोन माफ हुआ था 1 लाख का, अभी तक मेरा बैंक में पैसा नहीं आया। मैं सीएम हेल्पलाइन पर भी 10 बार शिकायत कर चुका हूँ, हापुड़ के जो कृषि अधिकारी हैं उस पर रिपोर्ट लगा के भेज देते हैं कि इसने पैसा जमा कर दिया, बैंक ने अपने दोहरे से पैसा उसमें जमा करके दिखाया है। मैं इतना परेशान हूँ, मेरे पास 6 बीघे जमीन है कुल, पेमेंट भी हमारा मिल टाइम पर नहीं कर पाता है। जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ, ग्राम माधापुर मोजमपुर है। क्या कहना है? हम ये कहना चाह रहे, इन्होंने अभी जो लोकसभा चुनाव लड़ा है उसमें किसान सम्मान निधि के लिए इन्होंने वादा किया है कि प्रति वर्ष जो है प्रत्येक किसान को 6,000 रुपये सालाना सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, वो भी मात्र 15-20% लोगों का आ पाया किसान भाइयों का, बाकी आया नहीं है। इसके अलावा यदि किसी का, देखो महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूँ, यदि किसी का कृषि रजिस्ट्रेशन है, एग्रीकल्चर रजिस्ट्रेशन है, और उसमें करेक्शन कराना है, खाता नंबर गलत है उसके अंदर, कोई मान लिया रकबा गलत है, कोई चीज़ है, तो उसके लिए उसे उस किसान को लखनऊ में आवेदन करना पड़ता है। मैं ब्लॉक डिलाइट से आया हूँ और मेरा नाम मुनीष है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 2 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, जब हर चीज़ का रेट बढ़ा दें तो गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ाया, और बहुत समस्या है किसान के सामने। एक सरकार आई मायावती की सरकार, तो उसमें खाद ही नहीं मिला, खाद तो मिल रहा है मगर जब हर चीज़ का रेट बढ़ा है तो गन्ने का रेट क्यों नहीं बढ़ाया इन्होंने। तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है यहाँ पर सभी किसानों का कहना है कि ये मोदी जो सरकार है यहाँ पर वो किसान विरोधी सरकार है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पर किसान मौजूद हैं, सब दुखी हैं, बिजली पानी खेत गन्ने का रेट लगातार घट रहा है। वो बोल रहे हैं कि इनको अधिकार क्यों नहीं है, जब गन्ने को सींच कर वो पैदा करके तब बड़ा करते हैं, मिलों तक पहुँचाते हैं, तो फिर क्यों उन्हें ये हक नहीं है कि गन्ने का रेट वो खुद डिसाइड कर सकें। यहाँ पर सभी किसान बहुत ज़्यादा निराश हैं। कैमरामैन सोनू चौधरी के साथ प्रेरणा तलवार, लेकिन इस खबर को अभी यहाँ पर स्टॉप नहीं किया जा सकता क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। इससे आगे लोगों का क्या कुछ कहना है जानेंगे अगली खबर में। इजाजत दीजिए, नमस्कार।